जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का naukrikhabar.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप लोग केवल और केवल कक्षा 10वीं पास हैं और आपका सपना अपने गांव के अंदर सरकारी नौकरी पाने का है, तो आप सभी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्राम रोजगार सेवक के पदों पर आ चुके दो नए नोटिफिकेशन के बारे में, दो नई भर्तियों के बारे में, जहाँ पर आप सभी के लिए ग्रामीण रोजगार सेवक यानी GRS के पदों पर भर्तियों के कंप्लीट नोटिफिकेशन और आवेदन करने के लिए ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी जारी कर दिए गए हैं। दोनों नोटिफिकेशन अलग अलग लोकेशन से आए हुए हैं। दोनों नोटिफिकेशन के लिए अलग अलग डेट्स हैं। दोनों नोटिफिकेशन में आवेदन करने का जो फॉर्म है वो आपको अलग अलग मिलेगा। नो एग्ज़ाम जॉब है, यानी बिना किसी एग्ज़ाम के वैकेंसी है। आपको इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर आने वाली GDS यानी ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी के बारे में जानकारी होगी। आपको सेम टू सेम ये वैकेंसी भी उसी तरह मिल रही है, यानी कि GDS की तरह GRS यहाँ पर मिल रहा है। साथ ही साथ वहाँ पर भी कोई एग्ज़ाम नहीं होता, यहाँ पर भी कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। वहाँ पर भी मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पर भी महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा आवेदन आपको ऑनलाइन तरीके से पहले वेबसाइट के अंदर एंट्री करके ऑफलाइन तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके भरना होगा। इसकी आखिरी डेट है 5 नवंबर 2024 की। चूंकि दो अलग अलग नोटिफिकेशन है, इनमें से दूसरा नंबर नोटिफिकेशन जो आखिरी डेट है वो 5 नवंबर की है। बाकी आपको आगे हम ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चल के जानकारी देने वाले हैं। तो बिना किसी एग्जाम इंटरव्यू के केवल और केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेसिस पे ग्राम रोजगार सेवक के पदों पर सिलेक्शन पाना है, तो उसके लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और आगे आने वाली वीडियो के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको आवेदन करने का नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर दिया गया, क्लिक करके इस पेज पे आ पाएंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहला काम करना है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे ताकि आपको आगे भी अपडेट मिलती रहे। साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करना है ताकि आप हर तरह से सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहें। जिला परिषद GRS पंचायती राज डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट 2024 के लिए अधिक जानकारी के लिए naukrikhabar.com पे जा सकते हैं, या फिर आपके लिए एक नई वेबसाइट बनाई गई है sarkarijob.net करके, वहाँ पर भी आप लोग विजिट कर सकते हैं। डेट्स के बारे में थोड़ा आपको समझना होगा क्योंकि यहाँ पे डेट थोड़ा घुमा के दिया गया है, यानी जो डेट्स यहाँ पे दी गई हैं, फर्स्ट नोटिफिकेशन के लिए मैं आपको टोटल दो नोटिफिकेशन प्रोवाइड करवाऊंगा। दोनों नोटिफिकेशन की जानकारी एक ही पोस्ट में मैंने इंटर कर रखी है। तो फर्स्ट नोटिफिकेशन की जो डेट है वहाँ पे आप 21/9/2024 से आवेदन कर पाएंगे 21/10/2024 तक, यानी जो पहला नोटिफिकेशन है उसकी डेट 21 अक्टूबर की है आखिरी डेट, और सेकेंड जो नोटिफिकेशन है वहाँ पर आप 5/10/2024 यानी 5 अक्टूबर से 5/11/2024 यानी 5 नवंबर तक आवेदन कर पाएंगे। वन बाय वन करके मैं दोनों नोटिफिकेशन को आपको ओपन करके भी दिखा दूंगा। एप्लीकेशन फ़ीस, आप किसी भी स्टेट से हैं, आप किसी भी जेंडर से हैं, आप किसी भी कम्युनिटी या कास्ट से हैं, दोनों नोटिफिकेशन के लिए आपको 1 भी रुपये एप्लीकेशन फ़ी पे करने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद आपकी एज है यानी उम्र है, जहाँ पे आप कम से कम 18 साल के होने चाहिए और अधिक से अधिक 40 यानी 40 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में, जहाँ पे आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन करी गई हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो फर्स्ट नोटिफिकेशन है उसके अंदर 101 यानी 101 पदों पर भर्तियाँ हैं, और प्लस करेंगे दूसरा जो हमारा नोटिफिकेशन है वहाँ पे आपको 146 यानी 146 पदों पर वैकेंसियाँ मिलेंगी। टोटल अगर आप लोग कंबाइंड करते हैं 247 यानी 247 पदों पर भर्तियों के नोटिफिकेशन है। पोस्ट आपको यहाँ पर ग्राम रोजगार सेवक की ही मिलेंगी दोनों नोटिफिकेशन में, और दोनों के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो 10वीं और 12वीं पास की यानी 10+2 की है। अगर आप लोग पास आउट हैं तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, मेल फीमेल दोनों इसके लिए एलिजिबल हैं आवेदन करने के लिए। टुडे टॉप जॉब लिस्ट के बारे में बात करें तो आज की नई नौकरियों की जानकारी यहाँ पर दी गई है। आप लोग क्लिकर की बटन पे क्लिक करके जानकारी को देख सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। उसके बाद आपकी सैलरी है जो अकॉर्डिंग टू 8 से 9 हज़ार स्टार्टिंग की पे की जाएगी अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन, आपको देखना होगा। और बाकी सिलेक्शन दोनों का सेम है, बिना किसी एग्ज़ाम के केवल और केवल मेरिट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पे आप सभी का सिलेक्शन होगा। हाउ टू फिल, कैसे आप लोग आवेदन कर सकते हैं, उसकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है।
है, इसको आपको रेट करना है। बाकी यहाँ से नीचे आते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, जो यहाँ पे हमने दो लिंक दे रखे हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, डाउनलोड नोटिफिकेशन फर्स्ट और डाउनलोड नोटिफिकेशन सेकंड। अभी आपके मन में सवाल आएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड होगा, तो आपको बता दें कि डाउनलोड नोटिफिकेशन फर्स्ट में जब आप लोग ओपन करेंगे सबसे नीचे नोटिफिकेशन के साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, और सेकंड नोटिफिकेशन के साथ भी आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, तो आपको अलग से लिंक पे क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है, वन बाय वन करके डाउनलोड करेंगे। ये हमारा फर्स्ट नोटिफिकेशन है, इसको क्लिक करते हैं और हमारा नोटिफिकेशन हमारे पास पीडीएफ रीडर की सहायता से ओपन हो जाता है। यह एडवर्टाइजमेंट है 101 यानी 101 पदों पर ग्राम रोजगार सेवक की पोस्टें हैं, और इसके लिए आप लोग 21/10/2024 तक आवेदन करेंगे, 8,500 फिर 8,800 रुपए आपको, सॉरी 8,880 रुपए पर मंथ आपको दिया जाएगा। अभी एक बार और डेट को हम क्लियर करते हैं, तो पहले नोटिफिकेशन के अंदर 21/9 से 21/10 तक आवेदन होगा और यहां पे आपको जीआरएस यानी ग्राम रोजगार सेवक की ही पोस्टें मिलती हैं। यहां पे टोटल वैकेंसी 101 है। इसके नीचे आते हैं तो आपको एज और क्वालिफिकेशन के बारे में भी जानकारी मिलेगी। अगर आप लोग यहां पे देखेंगे तो आपको बताया गया है कि कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 40 यानी 40 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। इसके बाद यहां से आप और नीचे आते हैं तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया गया है कि यहां पे आपका 10+2 होना चाहिए। अभी यहां से और नीचे आते हैं तो आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी मिलता है, इसको देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ ग्राम रोजगार सेवक यानी GRS। फिल करना बहुत ही ईजी है, पासपोर्ट साइज़ की फोटोग्राफ, नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर एंड हस्बैंड नेम, परमानेंट एड्रेस, करेस्पोंडेंस का एड्रेस, ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, आधार नंबर। इसके बाद यहाँ पे आपको और भी कुछ जानकारी देनी होगी, जैसे क्वालिफिकेशन हो गया। इसके बाद आपके पास अगर यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट है उसको सबमिट करें, और डिक्लेरेशन के अंदर जो भी जानकारी आपने दी है वो सही है, यहाँ पे सिग्नेचर करके प्लेस और डेट के साथ में आपको इसको दिए गए जगह पर भेजना होगा। जगह कहाँ पर मिलेगी, हाउ टू अप्लाई वाले सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोग आएंगे, हाउ टू अप्लाई वाले सेक्शन में कम्प्लीट जानकारी है, कौन सा ये एड्रेस है, कौन सी डेट है, कहाँ आपको भेजना है। अब बात करते हैं दूसरे नोटिफिकेशन के बारे में। दूसरे नोटिफिकेशन के लिए आपको डाउनलोड नोटिफिकेशन पर आना है, यहाँ पर क्लिक की बटन है, इस पर भी आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ आपका नोटिफिकेशन डाउनलोडिंग में लग जाएगा और कुछ ही टाइम बाद पीडीएफ फॉर्मेट की सहायता से आप उसको ओपन कर पाएंगे। देखिए अभी हमारा नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है, पीडीएफ के माध्यम से हम इसको ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट नोटिस है, 4/10/2024 यानी 4 अक्टूबर के दिन नोटिफिकेशन आया हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि इनविटेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ ग्राम रोजगार सेवक, और यहाँ पे जो आपकी टोटल वैकेंसी है 146 यानी 146 है, और GRS यानी ग्राम रोजगार सेवक की पोस्टें हैं। अब इस वैकेंसी की पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है, मॉडल फॉर्मेट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे स्टार्टिंग डेट है 5/10/2024 यानी 5 अक्टूबर से लेकर 5/11/2024 यानी 5 नवंबर तक आप लोग इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। टोटल 146 पोस्टें हैं और यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज पोस्टें भी देखने को मिलेंगी। अभी के लिए हम आपको इसका जो है तो क्वालिफिकेशन दिखाते हैं। देखिए क्वालिफिकेशन 10+2 पास यानी कि 12वीं पास होने चाहिए। इसके बाद आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखाते हैं, तो आप जब इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको और भी इम्पोर्टेंट जानकारी मिलेंगी एप्लीकेशन फॉर्म से पहले, जैसे कि आपकी जो उम्र है 18 साल कम से कम और अधिक से अधिक 40 यानी 40 साल की होनी चाहिए। इसके बाद आपको छूट भी मिलता है जो कि अकॉर्डिंग टू GRS के रूल्स के मुताबिक है। इसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हैं, हाउ टू अप्लाई के अंदर कम्प्लीट एड्रेस वगैरह मिलता है, यह एड्रेस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और 5/11/2024 शाम के 5:30 बजे तक आपको आवेदन जरूर से कर देना है। उसके बाद अगर कोई एप्लीकेशन प्राप्त होता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ ग्राम रोजगार सेवक एन अक्षर थर्ड करके यहाँ पे आपको अपनी पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ लगाना होगा। यहाँ पे नेम, फादर नेम, परमानेंट एड्रेस, करेस्पोंडेंस एड्रेस, रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी के अंदर इंडियन, आधार नंबर, PWD है, पर्सन विथ डिसेबिलिटी एस और नो में आंसर। इसके बाद अगर एक्स सर्विस मैन है एस और नो में, स्पोर्ट पर्सन है तो एस और नो में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कौन सा एग्जाम पास किया, कौन से साल में, टोटल कितने नंबर थे और कितने नंबर आपको मिले, और यहाँ पे परसेंटेज क्या बना। इसके बाद आपको लैंग्वेज बतानी है, इंग्लिश क्या बोलनी लिखनी पढ़नी आती है। इसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन है, आपको सिग्नेचर करना होगा और प्लेस और डेट के साथ में आपको दिए गए जगह पे आपको इसको भेजना होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अधिक जानकारी के लिए naukrikhabar.com पे जरूर विजिट करें, जहाँ से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।